नमस्कार फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन कमेटी लोनार जिला बुलडाणा महाराष्ट्र दिनांक 5 फरवरी 2022 EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय व्यापी पेंशनर्स बचाओ महाअभियान कार्यक्रम अंतर्गत माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार से कि NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत ने मुलाकात। जी हां फ्रेंड्स, माननीय राज्यपाल महोदय को सुनाई EPS 95 पेंशनर्स की व्यथा। बुलडाणा महाराष्ट्र में पिछले 1140 दिनों से अखंड जारी क्रमिक अनशन के विषय में दी माननीय राज्यपाल महोदय को NSC चीफ ने पूरी जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के 12 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनर्स के संरक्षक होने के नाते केंद्र सरकार से 67 लाख पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने हेतु की प्रार्थना, जिससे बुलडाणा आंदोलन भी सम्मान पूर्वक समाप्त किया जा सके। जी हाँ फ्रेंड्स, सौंपा EPS 95 पेंशनर्स की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन। माननीय राज्यपाल महोदय ने बताया कि हमने इस विषय पर काफी कार्य किया है। EPS 95 पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वयं बात करूंगा, वह उन्हें न्याय प्रदान करवाने हेतु पूरा प्रयत्न करूंगा। जी हां फ्रेंड्स, तो EPS 95 पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर है। माननीय राज्यपाल मोदी जी का विशेष आभार। NSC चीफ के साथ श्रीमती शोभा आरस, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला फ्रंट सौजनीय सरिता नरखेड़े, संगठन सचिव पश्चिम भारत महिला फ्रंट 20 S नरखेड़े, सह कोष अध्यक्ष वरिष्ठ NSC नेता श्री DR सलोक, श्री PV आदापुरी व श्री JG मछले उपस्थित रहे। तो फ्रेंड, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।